करवाना आपको। कितने साल का है बच्चा? 3 साल का। सलूकापुर और भीरा के दो एलिफेंट प्लेसेस हैं, कैंप्स हैं, जहां पे एलिफेंट 10-10 की संख्या में है, कर्नाटक से भी आए हुए हैं। इन एलिफेंट कैंप्स में हमारे पास छोटे हाथी भी हैं जो काफी बच्चों को आकर्षित करते हैं। अभी एक नई हथनी जो माँ से बिछड़ गई है उसे भी लाया गया है, और हमें लगता है कि बच्चों को, जो बच्चे यहाँ आते हैं, उनको हाथी के बारे में ज्ञान देने के लिए एक बड़ा अच्छा केंद्र हो सकता है। कर्नाटक राज्य में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे एलिफेंट कैंप्स अपने आप में एक टूरिस्टिक अट्रैक्शन होता है। बच्चों को ये बताया जाना कि हाथी की खुराक क्या है, हाथी नहाते कैसे हैं, हाथी का वजन कितना होता है, वो कितना खाना खाते हैं, कैसे पेट्रोल करते हैं, ये अपने आप में एक काफी एजुकेशन का पॉइंट है। और कंजर्वेशन इको टूरिज्म में इन कैंप्स को बेहतर बना के एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जा सकता है, इस दिशा में सोचा जा रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व में एलिफेंट पार्क खोलने के पीछे पार्क प्रशासन की मंशा है कि आने वाले बच्चों को हाथियों के बारे में जानकारी भी मिले और वो वन्य जंतुओं की परेशानियों को भी समझ सकें। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व से प्रशांत पांडे, ईटीवी भारत के लिए।